हाय गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रीतम भगत। तो स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक शानदार बाइक के बारे में, कावासाकी निंजा 300 सीसी का बाइक रहने वाला है। जबरदस्त बाइक है। अगर आप इसे डाउन पेमेंट कर लेना चाहते हो तो कितने ईएमआई बनने वाली है, कितना किस्त देना पड़ेगा, सारा कुछ डिस्कस करेंगे और काफी शानदार फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। साथ में एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस और कौन कौन से चार्ज लगते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। तो आज के हमारे लिस्ट में दोस्तों कावासाकी निंजा 300 बाइक 2024 मॉडल एंड इसकी इंजन कैपेसिटी की बात करें 296 सीसी 300 सीसी की बाइक देखने को मिलती है और मैक्सिमम इसमें पावर की बात करें तो 11,000 आरपीएम आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे इसमें ट्रांसमिशन की बात करें तो 6 आपको गियर स्पीड देखने को मिलते हैं और इसमें माइलेज की बात करें तो आपको 25 से 30 तक किलोमीटर रेंज आपको मिलने वाला है। और इसका जो आपको टॉप स्पीड देखने को मिलती है 160 किलोमीटर पर आवर और इसमें जो फुल टैंक होता है फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिलेगी। तो फ्यूल कैपेसिटी इसमें टोटल 17 लीटर में इसका फुल टैंक होता है। तो काफी शानदार बाइक है दोस्तों कावासाकी निंजा 300 बाइक। और इसके फीचर्स की बात करें तो दमदार फीचर्स के साथ भी आती है। चलिए बढ़ते हैं इसके प्राइसिंग को लेकर कि कितना प्राइस लगने वाला है और कौन कौन से चार्ज लगते हैं। तो बात करें दोस्तों कावासाकी निंजा 300 बाइक की, तो इसका जो आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलेगा 3,40,000 रुपये आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है। और इसमें दो चार्ज लगते हैं, पहला आरटीओ चार्ज और साथ में टीडीएस भी बचता है जो कि 40,000 के समथिंग इसमें लगने वाला है। और इंश्योरेंस की बात करें तो आपको 20,000 से 22,000 के बीच में लग जाएगा। इसमें जो आपका फाइनल प्राइस निकल कर आता है ऑन रोड प्राइस, इसी प्राइस पे आप इसको घर लाओगे 4,00,000 रुपये आपको पड़ने वाला है और हर स्टेट में ये बदलता रहता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जबरदस्त बाइक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके डाउन पेमेंट के ऊपर। डाउन पेमेंट कितना होने वाला है, तीन प्रकार का डाउन पेमेंट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले और कम से कम डाउन पेमेंट की बात करें तो आप 15% तक कर सकते हो, 10 से 15%, जो कि 60,000 होता है, जिसमें आपका टोटल लोन अमाउंट रहने वाला है 3,40,000 लोन अमाउंट रह जाता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आपको 9% लगने वाला है, हर बैंक में 9 से 10% लग ही जाएगा। अगर आप 24 मंथ के लिए फाइनेंस कराते हो तो 15,533 रुपये प्रत्येक महीना किस्त पड़ता है। 30 महीने 2.5 साल के लिए कराते हो तो 12,698 रुपये प्रत्येक महीना किस्त देना पड़ेगा। अगर आप 3 साल 36 मंथ के लिए कराते हो तो 10,812 रुपया प्रत्येक महीना आपको किस्त देना होगा। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको और भी कोई गाड़ी पसंद हो या तो कोई ट्रैक्टर ट्रक जो भी, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो बना दूं। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट दूसरे डाउन पेमेंट की तरफ। दूसरा जो डाउन पेमेंट आप कर सकते हो 1,60,000 का, जिसमें आपका जो टोटल लोन अमाउंट रहता है 2,40,000 लोन अमाउंट रह जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो सेम आपका 9% ही रहने वाला है। अगर इसमें आप 24 मंथ या तो 2 साल के लिए फाइनेंस कराते हो 10,964 रुपये को प्रत्येक महीना किस्त देना पड़ेगा। अगर आप 30 मंथ के लिए कराते हो 2.5 साल के लिए तो 7,632 रुपया किस्त बन रहा है। अगर इसमें आप 42 मंथ के लिए मतलब कि 3.5 साल के लिए फाइनेंस कराते हो तो 6,683 रुपये को प्रत्येक महीना किस्त देना पड़ेगा। और साथ में दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते अपने लास्ट और यहाँ पर तीसरे डाउन पेमेंट की तरफ। जो तीसरा डाउन पेमेंट आप कर सकते हो 2,50,000 और इसमें आगे पीछे हो सकता है 3 लाख भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसमें आपका जो टोटल लोन अमाउंट रहने वाला है 1,50,000 रुपया और इंटरेस्ट की बात करें तो 9% ही रहने वाला है। अगर इसमें आप 24 मंथ 2 साल के लिए फाइनेंस कराते हो तो 6,853 रुपया प्रत्येक महीना किस्त बनता है। इसमें अगर आप 3 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो 36 महीने के लिए तो 4,770 रुपया किस्त बनने वाला है। अगर इसमें आप 5 साल के लिए जाते हो, लास्ट आप 7 साल तक भी करा सकते हो, और 5 साल की बात करें तो मात्र दोस्तों 3,114 रुपया किस्त बन रहा है। 3,114 रुपया किस्त बन रहा है, यानी कि ये सबसे कम किस्त है और बेहतरीन किस्त है। आप जितना कम मंथ का कराओगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करें कि जब आप लोन अमाउंट 3,40,000 बच जाता है तो बैंक आपसे कितना चार्ज करती है। 24 महीने की बात करें तो लमसम 30,000 चार्ज करेगी, मतलब 30,000 एक एक्स्ट्रा लेगी, ये आपका ईएमआई में जुड़ के आएगा, अलग से पैसा देना नहीं पड़ता है। अगर आप 36 मंथ के लिए कराते हो तो लमसम 50,000 के समथिंग लगने वाला है। और लोन अमाउंट लास्ट वाला बात करें तो जो 2.5 लाख आपका रहता है, सॉरी 1.5 लाख जो आपका रह जाता है, उसमें अगर आप 24 मंथ के लिए कराते हो तो 21,000 समथिंग कुछ लगने वाला है। अगर इसमें आप 36 मंथ के लिए फाइनेंस कराते हो 3 साल वाले में 36,000 आपका एक एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। इसलिए मैंने कहा था आप जितना कम मंथ का कराओगे आपको उतना ही फायदा होगा। देख सकते हो 24 मंथ के लिए 30,000 और 36 मंथ के लिए 50,000 लगता है। तो दोस्तों काफी शानदार यहाँ पर ये बाइक रहने वाली है। और ये एक दोस्तों स्पोर्ट बाइक जो कि काफी शानदार है, यानी कि ये बाइक धूम मचा रही है और लेटेस्ट मॉडल में भी काफी शानदार दिखती है। कावासाकी की बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी शानदार होती है, टॉप स्पीड भी बेहतरीन देखने को मिलता है, लुकिंग की बात करें तो जबरदस्त देखने में लगती है। कहीं कहीं दोस्तों परफॉर्मेंस के हिसाब से सारा कुछ यहाँ पे ठीक देखने को मिलता है और इंजन भी काफी दमदार है। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।